हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टैगोर जी जॉब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं HSSC की, मतलब कि हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन कर रहा है ट्रेनी के पदों पर भर्ती। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। हाँ दोस्तों, जिस भी साथी ने अभी अप्रेंटिस नहीं की है वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्रेंटिस किया है तो आपके जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में क्या कुछ है आपके लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि टाइम टाइम पर आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये किस तरह के पदों पर भर्ती कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती हैं गवर्नमेंट के अंडर में ये काम करती हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होती हैं और गवर्नमेंट की ही एक तरह का उपक्रम या कहें कि गवर्नमेंट की ही कंपनीज होती हैं। तो सबसे पहले यही है कि यह है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और ये किस पदों पर भर्ती कर रही है। ये पदों पर भर्ती कर रही है अप्रेंटिस के पदों पर, जिसके हम ट्रेनी भी बोलते हैं। और अभी हम पोस्ट वाइज बात कर लेते हैं किस किस तरह की पोस्टें हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और ये देखिए डिप्लोमा होल्डर के लिए जो पद हैं यहाँ पर, जितने भी पद हैं ये सभी के सभी ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए हैं और यहाँ पर जितने भी पद हैं ये सभी के सभी ट्रेनी डिप्लोमा होल्डर के लिए पद हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएट लेवल पोस्टों के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लेवल पर जो पद हैं वो हैं 6। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो पद हैं वो हैं 12। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में हैं 10 पद। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में हैं 6 पद। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी हैं 6 पद। मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हैं 55 पद। और उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हैं 3 पद। मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग में हैं 10 पद। और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड अकाउंट ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में हैं 8 पद। तो ये जितने भी पद मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए हैं सभी के सभी ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए हैं, मतलब कि जिस भी साथी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है इसी फील्ड में वो इनको अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम नज़र डालें डिप्लोमा होल्डर पे, तो डिप्लोमा होल्डर में सेम फील्ड में ही हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में है 3 पद, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है 6 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है 4 पद, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में है 3 पद, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है 3 पद। और उसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग में है 27 पद, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है 2 पद, मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग में है 5 पद और सेक्ट्रियल में नहीं है, मतलब अकाउंट जो ऑफिस जॉब है वो नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जिस भी साथी ने ग्रेजुएट किया हुआ है टेक्निकल में या डिप्लोमा किया हुआ है टेक्निकल में, वो यहाँ इन पदों के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए हमने बताया है यहाँ पर ये देखिए कि ग्रुप कोड 101 से 108 तक अ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच एंड डिसिप्लिन। जो भी साथी ग्रेजुएट है, देखिए यहाँ पर 101 से 108 तक, यहाँ पर अगर हम नज़र डालें 101 से 108 तक ग्रेजुएट की लाइन में, उसके लिए इन्होंने कहा है कि आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए उसी फील्ड में। जैसे आप सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर साइंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो ये बात करते हैं आगे डिप्लोमा होल्डर के लिए, कि अगर 101 से 110, यहाँ पर बता रहे हैं कि 110 से
से 117 डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच डिसिप्लिन। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें 110 से 117 ये सभी पद जितने भी हैं ये 110 से 117 हैं, और जो कि डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक डिप्लोमा आपकी फील्ड में, जिस भी फील्ड का आप अभी फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस पद की। देखिए, यहाँ पर एक अलग से पद है ये, जो कि क्लेरिकल टाइप में होता है, सेक्ट्रियल प्रैक्टिस एंड अकाउंट्स या ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्ट्रियल प्रैक्टिस। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर आप नज़र डाल लीजिए, ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट अदर देन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, कोई भी साथी जिसने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे वो उसने बीए किया हो, बी कॉम किया हो, वो इस पद को भर सकता है, लेकिन उसने किसी भी टेक्निकल कोई सी तरह का टेक्निकल डिग्री ना की हो, इसलिए मैंने कहा है। और अगर हम अभी बात करें कि डिग्री होल्डर के लिए कितने पद हैं, तो वो हैं 116, और अगर डिप्लोमा होल्डर के लिए बात करें तो वो हैं 53। तो ये तो हुई पोस्टों की बात, अब बात कर लेते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कोई भी कैंडिडेट, यहाँ पर द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स फॉर अदर। अदर यहाँ पर जो है वो है जनरल कैटेगरी के लिए यूज़ किया गया है, और अदर्स ईडब्ल्यूएस ओबीसी। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है, साथी है, जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है या ओबीसी से बिलोंग करता है, तो उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके लिए मार्क्स हैं 55%। और अगर कोई साथी एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता है, तो उसके लिए जो परसेंटेज मांगी गई है वो है 50% मार्क्स। उसी के डिसिप्लिन में, उसी की ब्रांच में, अगर उसने किसी भी चीज़ से डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है उसके लिए। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी में मोड ऑफ सिलेक्शन की। अगर आप पेज नंबर 2 पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की क्या रहेगा। द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन दैट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेजुएट टेक्निकल डिप्लोमा। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो भी आपका परसेंटेज रहेगा आपका आपके डिग्री में या आपके डिप्लोमा में, उसकी मेरिट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और ये सिलेक्शन होगा कैसे, उसका भी इन्होंने बताया है कि इसकी एक मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बेस पर ही आपकी सिलेक्शन होगी। और इस मेरिट लिस्ट का जो डिटेल होगा या लिस्ट होगी, वो HEC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पर इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है, वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लें इसको नोटिफिकेशन को, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। यहाँ पर इन्होंने काउंसलिंग दिया हुआ है इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट। यहाँ पर देखिए, इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट 116 ग्रेजुएट एंड 53 टेक्निकल टेक्नीशियन डिप्लोमा विल बी कॉल फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। देखिए, जो भी मेरिट लिस्ट लगेगी उसके अनुसार 116 बच्चे वो बुलाए जाएंगे जो ग्रेजुएट हैं, और 53 कैंडिडेट वो बुलाए जाएंगे जो कि टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर हैं फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और उसकी जो लिस्ट होगी वो वेबसाइट पर इनकी डाल दी जाएगी, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्होंने यहाँ पर दी हुई है, उस पर जाकर आप अपनी मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है, आफ्टर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग डेट एंड टाइम ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट इफ सीट्स आर स्टिल वैकेंट देन सेकेंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट एंड अपलोडेड ऑन द HEC की वेबसाइट पर ही डाल दी जाएगी। इन्होंने कहा है कि देखिए, हम जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, अगर उसमें भी सीट वैकेंट रह जाती हैं, तो हम सेकेंड काउंसलिंग के लिए भी एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, जो कि हम साइट के ऊपर डाल देंगे और उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद भी देखिए, ओपन राउंड काउंसलिंग भी होगी। मैं चाहूँगा कि आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ लें बाद में, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो चाहूँगा कि आप इसको एक बार अच्छी तरह पढ़ लें। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में और सेट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट की आप अगर काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए होगा। यहाँ पर देखिए, अगर आपका नाम काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है,
अनाउंस होता है लिस्ट में, तो आपको क्या करना है। यहाँ पर इन्होंने दिया है द कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड टू सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ इच। देखिए, इन्होंने कहा है कि अगर आप काउंसलिंग के लिए बुलाए जाते हैं तो आपको आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे, प्लस दो सेट आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज के सेल्फ अटेस्टेड भी लाने पड़ेंगे। उसके अलावा भी इन्होंने एक चीज़ कहा है यहाँ पर, द कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग 5 नंबर ऑफ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 5 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेकर जानी पड़ेगी अगर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एज के बारे में कि एज लिमिट क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो वो है ये, देखिए, एज ऑफ एप्लीकेंट शुड बी बिटवीन 18 टू 30 ईयर्स। आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए 29/2/2020 के अनुसार, एंड विद रिलैक्सेशन टू SC ST OBC NCL नॉन क्रिमिनल एंड PW पर्सन विद एज पर डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें भी छूट दी जाएगी आपको अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अदर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, अदर से इनका मतलब है अनरिजर्व कैटेगरी, जैसे कि जनरल कैटेगरी या ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास से आप बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपकी यहाँ पर जो फीस रहेगी वो 500 रुपीज़ रहेगी। और अगर कोई कैंडिडेट SC ST PWD से बिलोंग करता है तो उनकी कोई फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पर एक उन सभी कैंडिडेट्स को सजेशन है हमारी तरफ से कि अगर कोई SC ST या PWD कैंडिडेट है तो वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, ताकि उनकी कोई फ़ीस नहीं है और उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसकी पेमेंट ऑफ मोड यहाँ पर मैं बता देता हूँ। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप वहीं HEC की कंपनी में भी पेमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको एक बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा जिसको हम DD बोलते हैं। और वो बैंक डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनेगा, वो बनेगा हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से, और जो कि पेबल होगा रांची। ठीक है दोस्तों, ये है इसकी पेमेंट फीस के बारे में। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को आप जब भरेंगे तो उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट हैं जो आपको यहाँ पर चाहिए। देखिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए आपको, पासिंग जो भी आपकी इसमें मार्कशीट है, फाइनल ईयर मार्कशीट चाहिए आपको, ग्रेजुएशन की या आपके डिप्लोमा की, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको, अगर आप PWD हैं तो PW सर्टिफिकेट चाहिए, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपका आधार कार्ड और पेमेंट का रिसिप्ट ऑफ सेल्फ अंडरटेकिंग एंड क्लोजिंग एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, इस फॉर्म के लास्ट में भी एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच है सेल्फ अटेस्टेशन का, वो भी आपको भर के भेजना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें अभी, तो ये पोस्ट के बारे में था सब कुछ जो हम मोटे मोटे तौर पर बता चुके हैं। और देखिए, ये डेट्स हैं इस फॉर्म के नोटिफिकेशन के लास्ट में, आप इस पर नज़र ना डालें क्योंकि ये डेट्स बदल चुकी है। सबसे लास्ट में आप आ जाएं तो यहाँ पर देखिए नई डेट्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और जो नई डेट जो है वो ये है, क्योंकि इसकी जो पहले लास्ट डेट थी वो थी 31/3/2020, क्योंकि अब बढ़ाकर कर दी गई है 25/4/2020। तो जो नई अपडेटेड डेट है, जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, वो है 25/4/2020। तो ठीक है दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो, और इसके बीच में देखिए ये एप्लीकेशन अटैच है, इस पर एप्लीकेशन फॉर्म को आप अपने हाथ से भरकर डॉक्यूमेंट को साथ में लगाकर भेज सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन पर जाकर भी आप बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।